नमस्कार, आप देख रहे हैं देसरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी लगातार आक्रामक नजर आ रहे हैं। मंगलवार को बकायदा बीजेपी दफ्तर में प्रेस वार्ता कर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि रूपा तिर्की समेत पंकज मिश्रा के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों पर CBI जांच और इनकम टैक्स की जांच कराए राज्य सरकार। जैसे अगर हम संक्षिप्त में ही कहें, इधर आप पासवान परिवार को देख रहे, इन लोगों की जमीन दादा जमाने से, उस जमीन को कैसे दखल करने के लिए, उस जमीन को कैसे बेचने के लिए वहां पर क्या सिन्हा है, और सुनील सिन्हा उर्फ शिवशंकर प्रसाद, 2018 से उस पर उन्होंने इन लोगों को डराना धमकाना, लोगों से लेने की उन्होंने कोशिश की। जब ये लोग देने के लिए तैयार नहीं हुआ, राजी नहीं हुआ, फिर इन लोगों के ऊपर डकैती केस करके दो दो महिला को भी, फिर पुरुष को भी, और फिर 6-6 महीना जेल में डाल दिया। और जब जेल में ये लोग थे तो उस समय इन लोगों के जमीन में वही जो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि है वहाँ मकान बनाना शुरू कर दिया। आज भी वहाँ मकान तैयार हो रहा है, 2 मंजिला, और कितनी शान से बोलते हैं कि हमने खरीदा है। DC के पास लोग जाए, किसी भी पदाधिकारी में कोई सुनने वाला नहीं है, वहाँ तो सब कुछ वही है। फिर उधर रोहित बैठे हुए, इनका भी पूर्वज खानदानी का जमीन, उस पर भी लोगों ने जोर जबरदस्ती, जिसको बोलते हैं कब्जा करना, नहीं तो फिर इन लोगों के ऊपर भी केस किया था। तो 4-4 महीना ये लोग तो साहेबगंज छोड़ करके ही लोग भागे हुए थे, अब भी उस जमीन को प्लॉटिंग करके बेच रहा है। फिर राजहंस का तो आप सब लोगों ने देखा, उनके घर में तो अभी लगातार क्या कहते हैं, पुलिस रात में जा करके परेशान करना, तंग करना, क्योंकि दरोगा के साथ इनका बातचीत हुआ था और उसका ऑडियो वायरल हो गया, तब इनको परेशान करना। वहीं बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर पलटवार करते हुए राज्य सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि पंकज मिश्रा पर लगे आरोप अगर सत्य साबित होते हैं तो उन पर जरूर कार्रवाई होगी। यह पूरा मामला पुलिसिया जांच का है। बाबूलाल मरांडी बेवजह पंकज मिश्रा के सहारे सरकार को बदनाम ना करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पंकज मिश्रा को लेकर लगातार बाबूलाल मरांडी सवाल उठा रहे हैं, उनको निशाने पर ले रहे हैं। और जो ऑडियो हाल के दिन में जारी हुआ था सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, उससे संबंधित तमाम व्यक्तियों को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रखे थे। उनका कहना है कि आतंक मचाए हुए संथाल में कईयों की जमीन उन्होंने छड़प ली और कईयों पर जबरदस्ती मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं। इस पूरे मामले की जाँच निष्पक्ष तरीके से हो, CBI से जांच कराने की मांग की है। देखिए, सारे मामले, जो भी मामलों की बात हो रही है, मामले सारे मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से संज्ञान में लोगों के आए हैं, जो हैं और किसने क्या कहा नहीं कहा। ये मामला, कोई भी मामला, जो आपराधिक मामला हो या किसी तरह कोई मामला हो, तो उनका अनुसंधान होता है, न्यायिक प्रक्रिया होती है। न्यायिक प्रक्रिया में अगर जो लोग दोषी पाए जाते हैं उन्हें सजा होती है, निर्दोष होते हैं तो बाइज्जत बरी होते हैं। और बाबूलाल मरांडी की कोई न्यायालय नहीं है कि बुलाकर और वहाँ लोगों को बुलाकर कि चोर की ताड़ी में तिनका वाली बात वो कर रहे हैं। बाबूलाल जी खुद बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो जिनमें उन पर बहुत सारे संगीन आरोप हैं, तो आज वही हाल वो कर रहे हैं कि लोगों को बुलाकर। वो तो बाबूलाल जी कोई पुलिस के भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं है और ना ही न्यायालय है, तो इस तरह से उनका करना अपना राजनीतिक रोटी सेकने का उनका, जिन लोगों के पास कोई काम नहीं रह गया है, बेरोजगार हैं, तो यही सब उन लोगों को करना है राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए। लेकिन अब राज्य की जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है और हमारी सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो चल रही है पूरी तरह से पारदर्शी सरकार है। किसी को भी, चाहे कोई भी हो, अगर कानून अपने हाथ में लेने की कोई भी कोशिश करता है उसके विरुद्ध
अगर तथ्यात्मक अगर साक्ष्य मिलते हैं तो उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी